हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग फूड प्रिंटिंग सीरीज़ के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने शोडन सर्च इंजन को डिस्कस किया था, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेब स्पाइडर और वेब क्रॉलर के बारे में, जिसे हम स्पाइडर या क्रॉलर भी कहते हैं, जो एक इंटरनेट बोट होता है। बोट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो ऑटोमेटेड टास्क को रन करती है ओवर द इंटरनेट। ये आगे चल के आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको इसका डेमो दिखाऊंगा। तो वेब स्पाइडर या क्रॉलर भी एक इंटरनेट बोट होता है जो कि हम लोग टारगेट की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे टारगेट की एक साइट है, उस पर बहुत सारे पेजेस हैं और उन पेजेस पे टारगेट के एम्प्लॉयज़ या मेम्बर्स का डेटा है, जैसे कि ईमेल्स, फोन्स, मोबाइल नंबर्स, फैक्स वगैरह, जो हम चाहते हैं कि सारा डेटा हम अपने सिस्टम में सेव कर लें। अगर मैनुअली या हर एक पेज पे विजिट करके करेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए हम लोग स्पाइडर या क्रॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमें बहुत ही कम वक्त में सारा डेटा हासिल करके दे देता है। चलिए हम लोग इसको एक डेमो की मदद से देखते हैं। तो गाइज, मैंने एक साइट खोली हुई है जो बेसिकली एक टेक्सटाइल एसोसिएशन की साइट है। इस पर बहुत सारे मेम्बर्स का डेटा अवेलेबल है, जैसे फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर वगैरह, इसमें बहुत सारा डेटा है। इसको एक डेमो के तौर पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग ये सारा डेटा हम अपने सिस्टम के अंदर सेव करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे बहुत सारे पेजेस हैं, ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड है, तो मैं अगर इनको सेव करना चाहूँ तो किस तरह करूँगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको एक टूल डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे ये वेब एक्सट्रैक्टर जो है, इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। ये बेसिकली इंटरनेट बोट है जिसकी मदद से हम लोग ये सारा डेटा अपने सिस्टम के अंदर सेव करेंगे। तो सिंपली आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं यहाँ पे 8.3 वर्जन डाउनलोड करने वाला हूँ, तो यहाँ से आप डेमो के लिए डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैंने अपने विंडोज़ वर्चुअल मशीन में इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्सेप्ट द एग्रीमेंट्स, यस, शॉर्टकट बनाना चाह रहे हैं हम अपने डेस्कटॉप पे, और इंस्टॉल कर लेंगे। तो गाइस, वेब एक्सट्रैक्टर जो है वह इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो हम लोग इसके अंदर कैसे साइट का डेटा निकालेंगे तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हम लोग पहले न्यू सेशन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक साइट दे देंगे जो कि हमारी टारगेट की साइट थी, APA, आई गेस, चेक कर लेता हूँ एक बार, aptpma.com, ये हमारी टारगेट की साइट है। मैं इसी URL के अंदर सर्च करना चाह रहा हूँ और डेप्थ को भी मैं 0 ही रखूँगा। और इस डेटा के अंदर हम लोग ईमेल्स, फोन्स, फैक्स, URL और मीटर टैग्स, तो यहाँ पे हम लोग ओके कर लेंगे। और यहाँ स्टार्ट कर लेंगे। तो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने कनेक्ट करना शुरू कर दिया। अब ये सारे पेजेस पे ये विजिट करेगा और सारा जो डेटा जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं ये सारे फ़ोन नंबर्स ने सेव करना शुरू कर दिए। यहाँ पे हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, उसकी सोर्स है और उसका जो टैग है, टैग भी आप देख सकते हैं, URL, टाइटल, होस्ट, और ये फैक्स नंबर्स हैं, ये URLs। इसको कंप्लीट होने देते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं इसने सारा जो डेटा है वो सेव कर लिया है। तो हमने देखा कि वेब एक्सट्रैक्टर या स्पाइडर जो होता है वो किस तरह काम करता है। अगर ये हम लोग मैनुअली करते इसमें बहुत टाइम लग सकता था, लेकिन वेब एक्सट्रैक्टर ने ये कुछ ही सेकंडों के अंदर ये हमारी जो टास्क है वो कंप्लीट कर लिए। तो ये अब सारा हम डेटा सेव कर सकते हैं और इसको हम लोग पेनिट्रेशन या सोशल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।